हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा पंच का बेस मॉडल यानी कि टाटा पंच प्योर। एंड आज की वीडियो में हम इसकी सारी डिटेल्स कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हो और आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस कार की प्राइसिंग की। ये इसका बेस मॉडल है प्योर, एंड ये आपको कॉस्ट करता है 6 लाख एक्सशोरूम। इसके ऊपर अलग अलग पैक्स आते हैं जैसे कि रिदम पैक, जो आप इस वेरियंट के साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट देके ऐड करा सकते हैं। करंट टाइम में ये कार इस सेगमेंट की टॉप सेलिंग कार में से एक है। ये इसका बेस वेरिएंट, तो इसमें आपको की नॉर्मल की ही मिलती है, कोई सेंट्रल लॉकिंग आपको इसके बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट फेशिया इस कार का हैरियर इंस्पायर्ड है, तो आपको थोड़ा थोड़ा हैरियर के लुक्स इस कार में देखने को मिलते हैं फ्रंट से। थोड़ा और डिटेल में बात करें तो आपको इस कार में फ्रंट में ही एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स दिखाई देगी, साथ में सेंटर में टाटा की बैजिंग दे रखी है। एंड टायरों का डिजाइन आप दिख रहा है आपको, उसके पीछे इन्होंने हॉर्न की प्लेसमेंट की है। इस वेरिएंट में आपको कोई डीआरएल देखने को नहीं मिलती, हैलोजन में एक इंडिकेटर दिया गया है, एंड साथ ही साथ हैलोजन में ही आपको हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। बेस मॉडल है, फॉग लैम्प आपको नहीं मिलेगा, बट अच्छी बात है कि हाउसिंग दे रखी है, तो आप आफ्टर मार्केट हेडलैम्प इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। बेस वेरिएंट में आपको कहीं पे भी क्रोम का यूज नहीं देखने को मिलेगा, एंड क्रोम यार एक एक्सेसरीज पार्ट है, तो आप ये बाहर से भी फिट करा सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। अदरवाइज कार का फ्रंट लुक काफी अच्छा लगता है, एंड डिजाइन वाइज भी ये कार एक बहुत बढ़िया कार है। एंड यही रीजन है जब से ये कार लॉन्च हुई है तब से ये कार इस सेगमेंट को तो रूल कर रही है। अब बात करते हैं यार कार के साइड प्रोफाइल की, थोड़ा कंजेस्टेड है इसलिए सॉरी यार। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बात करते हैं इस कार के डायमेंशन की। तो इसमें आपको 3827 मिलीमीटर की लेंथ मिलती है, 1742 मिलीमीटर की विड्थ एंड 1615 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। अगर सीधा कंपेयर करूं इसको एक्स्ट्रा के साथ तो आपको ये विड्थ और लेंथ में एक्स्ट्रा से ज्यादा है, बट हाँ हाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इससे ज्यादा हो जाती है। बात करें टायर साइज की, तो बेस वेरिएंट में आपको 15 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। अगर इसकी प्रोफाइल की बात करूं तो 185/70R 15 इंच के इसमें आपको प्रोफाइल मिलता है। एंड आप सस्पेंशन का ट्रैवल देखोगे ना, वो भी बहुत अच्छा दिया गया इस कार में। इसके साथ साथ पूरी बॉडी ग्लाइडिंग देखने को मिलेगी आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कार में, जो कि कार को एक अच्छा SUV लुक देती है। इसके अलावा बात करूं तो 187 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लीयरेंस आपको मिलती है इस कार में, जो कि बहुत अच्छा है। इस वेरिएंट में आपको मैट ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, जो कि पर्टिकुलर इस ग्रे कलर के साथ तो बिल्कुल भी ऑन नहीं लग रहे, बिल्कुल मैच हो रहे हैं इसके साथ साथ। उसके अलावा ORVM भी आपको मैट ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेगा। अच्छी बात है कि इंडिकेटर की प्लेसिंग आपको ORVM में देखने को मिलती है, फेंडर में नहीं दी गई, जो कि कई मैन्युफैक्चरर अपने बेस वेरिएंट में दे देते हैं। इसके अलावा बेस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स भी देखने को नहीं मिलेगी, बट ये सारी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो आपको, या फिर शोरूम से भी ये चीज़ें इंस्टॉल करवा सकते हो। तो ये तो रहा इसका साइड प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की। तो रेयर प्रोफाइल से कार कुछ इस तरीके से लगती है। आप मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस कार का रेयर प्रोफाइल कैसा लगता है। तो इस वेरिएंट में आपको हैलोजन में ही टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे 2 सेंसर्स आपको दिए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको कोई भी कैमरा ऑफर नहीं किया जाता, साथ ही इसके ऊपर आपको पंच की बैजिंग देखने को मिलेगी, टाटा की बैजिंग इसके ऊपर आ जाती है। डिफॉगर नहीं मिलता, वाइपर भी नहीं मिलेगा, एंड इसके अलावा आपको कोई एंटीना भी देखने को नहीं मिलता, बिकॉज बेस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं ऑफर किया जाता। इसके अलावा 2 रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे रेयर प्रोफाइल में। एंड बात करते हैं कार के बूट की। तो इस कार में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। एंड बात करूं स्पेयर टायर की, तो आपको स्पेयर टायर आपको सेम साइज का स्पेयर टायर आपको इसमें मिलता है, 15 इंच का स्पेयर टायर मिलता है विद सेम प्रोफाइल। एंड टाटा एक बहुत अच्छी चीज़ करता है कि अपनी सारी कार्स में पंचर रिपेयर किट आपको देता है बाय डिफॉल्ट। उसके अलावा पार्शियल ट्रे आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको 1 kg के 2 हुक्स भी दिए गए हैं, तो कुछ हैंग करना हो तो आप इन हुक्स में वो चीज़ हैंग कर सकते हो बूट में। इसके अलावा 366 बूट काफ़ी इनफ है, अगर मैं सेगमेंट से भी कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छे साइज़ का बूट है इस कार में। इसके अलावा जो सीट्स हैं ये पूरी फोल्डेबल आती है, बेंच स्टाइल सीट आती हैं जो पूरी फोल्ड हो जाती हैं, तो अगर आपको कोई सामान रखना हो, एक्स्ट्रा लगेज हो, तो आप सीट फोल्ड करके रख सकते हो, स्प्लिटेबल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। वैसे बूट स्पेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको इस कार में फेस नहीं होगी, बिकॉज काफ़ी डीप बूट दिया गया है, काफ़ी सारा आप सामान इसमें स्टोर कर सकते हो, तो बूट रिलेटेड आपको इसमें इशू नहीं आएगा, आई एम श्योर, बिकॉज मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से इस कार को। इसके अलावा बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की। तो जैसे आप देख रहे हो इस कार में आपको ड्यूल टोन में इंटीरियर दिया जाता है, एंड इस कार में वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, एंड ये सारा पूरा आपको दिख रहा है, ये सब हार्ड प्लास्टिक है।
व्हाइट कलर यूज किया गया। यहाँ पे विंडोज के कंट्रोल दो ही ऑप्शन मिलते हैं, बिकॉज रेयर में मैनुअल विंडोज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही डोर लॉक में पियानो ब्लैक कलर का यूज किया गया। ट्विटर की स्पेस आपको मिल जाता है, बट कोई स्पीकर्स और कोई ट्विटर्स में ऑफर नहीं किया जाते, बिकॉज इस कार में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता। हाइट एडजस्टेबल फीचर भी आपको इस वेरियंट में देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं कार के अंदर, अंदर से देखते हैं इस कार का इंटीरियर कैसा है। तो गाइस अब जैसे देख रहे हो यार, इस वेरिएंट में आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, एंड ये एक सही चीज है कि वेरिएंट वाइज आपको ये कलर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ये व्हाइट कलर थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, बट ब्लैक के साथ अच्छा लगता है काफी ज्यादा। इसके अलावा एसी वेंट्स में ये पियानो ब्लैक कलर का यूज किया गया है, एंड सबसे अच्छी बात टाटा के मैनुअल में ये लगती है कि इसका मैनुअल एसी का जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको गियर नॉब मिल जाएगा, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है। अगेन यहाँ पे भी पियानो ब्लैक का यूज किया गया है, जो कि अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा। यहाँ पे हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट मिल जाती है, प्लस 12 वॉट का सॉकेट के लिए स्पेस यहाँ पे आपको दिया गया है। एंड आई गेस यहाँ पे सिर्फ स्पेस है, आप यहाँ पे फिट करा सकते हैं। उसके अलावा 2 कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाते हैं। बात करें स्टेयरिंग की, तो इस वेरियंट में आपको टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो टिल्ट का ऑप्शन आपको इस वेरियंट में मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पोजिशन के हिसाब से अपनी स्टेयरिंग सेट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है, बट हाँ अच्छी चीज है कि टिल्ट दे रखी है इस वेरियंट में भी आपको। इसके अलावा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग में देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, सेंटर में एक छोटी MID दे रखी है, जिसमें आपको कार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बात करें इस कार में मिलने वाले सीट कंफर्ट की, तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग दी गई है इसकी सीट में। कुशनिंग के अलावा अगर बताऊँ तो मैं आपको इसमें थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ बेस मॉडल से ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं फ्रंट सीट में, एंड सपोर्ट काफ़ी अच्छा है यार इसकी सीट से, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको ड्राइवर साइड कार्ड होल्डर मिल जाता है, वैनिटी नहीं मिलती है। इसके अलावा सेंटर में आपको एक रीडिंग लैंप मिलता है, जो कि हैलोजन में दिया गया है। उसके अलावा को पैसेंजर साइज भी आपको कोई वैनिटी नहीं दी जाती बेस मॉडल में। बहुत नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड मिलता है इसका, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी आपको पूरी मिलती है इस कार में। एक अपराइट स्टांस है, ड्राइविंग पोजीशन ऊंची है, आप ऊंचा बैठते हो गाड़ी में, तो विजिबिलिटी इस कार में आपको पूरी देखने को मिलती है। इसके अलावा यार ये कार 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, जो कि आपको 115 NM का टॉर्क और 86 BHP की पावर निकाल के देती है। एंड न्यू ड्राइवर्स के लिए तो ये कार बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज पूरी विजिबिलिटी आपको मिलती है, पूरा बोनट आपको यहाँ से विजिबल होता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है न्यू ड्राइवर्स के लिए जजमेंट करना। एक कंप्लेंट जो पहले लोगों को रहती थी इस कार से, इसके NVH लेवल के रिगार्डिंग, अब BS6 Phase 2 कंप्लाइंट के बाद वो कंप्लेंट भी पूरी तरह से रिजॉल्व हो गई है। इंजन पहले से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुका है उसका, एंड आपको वो वाइब्रेशन भी अब इस कार में कम देखने को मिलेगी। एंड आई नो अब इस कार का एक और लेटेस्ट कंपटीशन मार्केट में आ चुका है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा ये कार अभी भी वैल्यू फॉर मनी कार है। एंड अगर आप इस कार के बारे में कोई और डिटेल्स जानना चाहते हो, तो मैं कॉन्टैक्ट पर्सन की शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं, और इस कार से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।